अभी बच्चा लोग हम लोग इंटीग्रेशन का जो इम्पोर्टेंट थ्योरम से जो अगेन आप लोग को पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये थ्योरम का जो हम लोग कर रहे हैं उसमें अभी इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का 3 थ्योरम किया है, और उसमें ना क्वेश्चन है यार जो थोड़ा सा ना ऊपर का थोड़ा सा ना दिख नहीं रहा होगा, तो थोड़ा टेक्स्ट बुक जो है ना थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको। टेक्स्ट बुक जरा सा सामने रखे ना, है ना, तो वो पहले चैप्टर का ही है, वो आप लोगों को स्टार्टिंग के पेजेस में ही हर एक एक्सरसाइज के पहले के थ्योरम से, तो उतना आप लोग कर लेना वो डिफरेंशिएशन के चैप्टर के लिए, है ना। ये आप लोगों को मे बी क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू dx इज इक्वल टू 1 बाय a tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। ये आपने थ्योरम प्रूफ किया होगा, प्रूफ तो नहीं किया होगा, यूज जरूर किया होगा, है ना। तो वही चीज अभी प्रूफ इसको कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। सिंपल सा फॉर्म है, एलएचएस लेके सॉल्व किया जाएगा। ओके, एलएचएस क्या दिया रखा है, 1 बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू dx। तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है कि इसको सॉल्व करके ये वाला लेकर आ जाओ। तो सिंपल सा चीज है, इसमें हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा, a tan थीटा। अभी x इज इक्वल टू a tan थीटा पुट कीजिए और डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx by d थीटा क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, tan tan बॉक्स जो बच्चा पढ़ा है हमसे तो वो बॉक्स के अंदर नहीं पढ़ा है। tan बॉक्स क्या होगा, sec स्क्वायर बॉक्स, है ना, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ये dx विल बी कम लाइक a sec स्क्वायर थीटा into d थीटा, तो रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अब यहां पे तो रिप्लेस करके कर लेते हैं, वो इंटीग्रेशन x यहां पे क्या पुट होगा, a tan थीटा, तो a का स्क्वायर भी होगा और tan का स्क्वायर भी होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर into dx यहां पे क्या पुट होगा बच्चा, ये सम में आप लोगों ने किया होगा तो उतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा। ओके, सिंपल सी बात है ना। अब आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे कि एक चीज है ना, क्या है, एक चीज है, वो चीज क्या है, आप डिनोमिनेटर में देखोगे तो कुछ कॉमन मिलेगा और न्यूमरेटर वन जा मल्टीप्लाई करके सेम आ जाएगा। ए सिक्स स्क्वायर थीटा अपॉन देखोगे तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर कॉमन लेगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस tan² थीटा इंटू डी थीटा। सिंपल सा चीज है, सिंपल सा चीज है, कुछ भी ज्यादा रॉकेट साइंस वाली बातें नहीं कर रहे हम लोग। तो ये एक ए क्या हो गया, कैंसिल, क्या हो गया, ए के कैंसिल। तो ये कैसा दिख रहा है ये, और बुरा नहीं मानोगे तो सिक्स स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan² थीटा भी कट कर सकता हूं मैं। क्यों, क्योंकि 1 प्लस tan² थीटा क्या होता है बच्चा, अरे 1 प्लस tan² थीटा क्या होता है, sec square theta ही तो होता है, आइडेंटिटी पढ़ रखा है ना, तो 1 प्लस tan² थीटा क्या होगा, sec square theta क्या होगा, sec square theta। तो 1 प्लस tan² थीटा sec square theta कैंसिल हो गया, 1 by a बच रहा है, 1 by a इंटीग्रेशन ऑफ कुछ नहीं बच रहा, मतलब 1 है into d theta, क्योंकि सबका मालिक एक होता है। तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा बच्चा, आई थिंक थीटा ही होगा प्लस सी। अब थीटा यहाँ पे तो आंसर होगा नहीं हमारा, क्योंकि हमने तो उधारी लिया था ना, एक्स को हमने टी की जगह पुट किया था। तो अब अगर आप जरा सा यहाँ पे देखेंगे इस साइड में, तो एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए टाइम थीटा, बराबर। तो थीटा इज इक्वल टू एक्स के फॉर्म में आ सकता है, तो एक्स बाय ए इज इक्वल टू टैन थीटा, तो थीटा विल बी व्हाट, टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। तो सब्स्टिट्यूट कीजिए, देखिए बहने से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, थीटा क्या आ जाएगा, टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। आप देखेंगे इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखिए मैच खा रहा है, एकदम डिप पे मैच कर रहा है, ऐसा जुगा भाई लग रहा है लोग, लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड से मैच कर रहा है, हेंस हेंस इज दैट क्लियर, कुछ डाउट है ना। तो अभी आप चाहो तो इसको ऐसा कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू dx इज इक्वल टू 1 बाय a tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस सी, इज दैट क्लियर, प्लस सी, है ना। हेंस प्रूफ आप यहां पे लिखेंगे बेहतर रहेगा, और ठीक है। तो आई होप कुछ डाउट नहीं होगा, है ना, बस इस ध्यान रखना x = a tan थीटा, है ना। तो इसको सिंपलीफाई करना एज वेल जैसे आप इंटीग्रेशन का सम सॉल्व करते हो, आपका प्रूफ दैट हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले प्रूफ के सिलसिले में, अगला थ्योरम हम लोग देखेंगे। ये सब थ्योरम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ तो लिया होगा लेकिन ये थ्योरम भूल जाते हो, और जो कि एक थ्योरम पूछता ही पूछता है ना, तो उसको प्रैक्टिस कर लेना। सिंपल सा चीज, एक बार नजरे भी घुमा लोगे ना तो दिमाग में बैठ जाता है ये सारी चीजें, ठीक है।